टीवी सीरियल अनुपमा में देखने को मिल रहा है कि आद्या अनुज का घर छोड़कर भाग जाती है, जिसके बाद अनुज, अनुपमा और श्रुति तीनों ही आद्या की तलाश में निकलते हैं और अनुपमा अपनी छोटी बेटी की जान बचा लेती है। अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा आद्या को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर आती है और उसे यहाँ शांति से बैठाती है। आइए आपको बताते हैं सीरियल में आगे क्या क्या होगा। टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा आद्या को छोटी बोलकर पानी पिलाती है। ये नाम सुनकर आद्या भड़क जाती है और अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाती है। आद्या अनुपमा को धक्का दे देती है, तब यशदीप आद्या को तमीज में रहने के लिए कहता है, लेकिन वह उन्हें भी जवाब दे देती है। आद्या अनुपमा से कहती है, पता नहीं इन्होंने कौन सा काला जादू कर दिया है कि मेरे पापा को बस यही दिखती हैं। इनके आने से उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया है और इन्हें हीरोइन बनकर मेरे पापा को अपने आगे पीछे घुमाना है। आद्या यही नहीं रुकती है, वह दो चार बातें और भी सुना देती है। शो में देखने के लिए मिलेगा कि आद्या की बदतमीजी देखकर अनुपमा का गुस्सा फट पड़ता है और वह अपनी बेटी की सारी हेकड़ी निकाल देती है। अनुपमा आद्या को बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम और तुम्हारा पापा यहाँ पर हो, वरना मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। मैं यहाँ पर जॉब करने आई हूँ। अरे मेरे पास तो घर भी नहीं है, यहाँ पर रेस्टोरेंट में रहती हूँ, तो तुम लोगों की लाइफ में क्यों ही घुसने लगी। इसके बाद अनुपमा कहती है कि उसने कभी आद्या और बाकी बच्चों में अंतर नहीं किया। आखिर में वह यह भी बोलती है कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करना है, मत कर, मेरी शक्ल मत देख, लेकिन वह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगी। अनुपमा में आगे देखने के लिए मिलेगा कि जब अनुपमा रेस्टोरेंट में आद्या को अकल ठिकाने लगाती है, तभी वहां अनुज और श्रुति पहुंच जाते हैं। इस मौके पर अनुपमा अनुज को देखकर बोलती है, वह अपनी और श्रुति की बेटी को लेकर के यहां से जा सकते हैं और वह आद्या को समझा दें कि मैं यहां पर आप दोनों के बीच नहीं आई हूं। ये बात सुनकर अनुज भड़क जाता है, वह कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है और आद्या को लेकर चला जाता है। अब इस सीरियल में आगे कौन सा ट्विस्ट आएगा, ये जानने के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।